राजा को चित्तौड़ वर्ष साहब को बहुत ही आसान मुकाबला सेमीफाइनल का एक बार देखना और फिर से सलमान ने हल्के से खिलाफ फील्डर मौजूद दोस्त रोक लिया गया लेकिन संभाल लिया गया वहां पे एक शाहरुख एक ऐसा नाम जो अंडरआर्म की दुनिया है रूल आउट है फुल बाउंड्री है अगर शाहरुख तीन लगातार चक्कर लगाएंगे तो इससे करीब 500 रुपए के नाम जो दुबई में है वो बहुत सारे बने अफजल क्लब कोलाड़ी अफजल भाई दिख रहे हैं दुबई से दिख रहे हैं उनके साथ इसरार कैप्टन मुकाबले को लाइव दिख रहे हैं मिर्जा अली बोटा पूजा इब्राहिमपुर दिख रहे हैं फैसल भाई खरमा दिख रहे हैं और जफर साहब लोग लाइव मुकाबले को दिख रहे हैं अभी इतनी बात हो गई लेकिन सुबह होने वाला है नूर का पैसा होने वाला है दोस्त तैयार होते खराब दोस्त और वहां पे ये आउट आउट दूंगे दोस्त आउट दूंगे पल्ला नहीं लगा पाती है गेंद वाइड नहीं जाती लेकिन शाहरुख ने कहा आप आओ मुझे मार उन्हें तो इतना सेंस होना चाहिए था कि इस गेंद को मैं छोड़ दूं लेकिन पल्ला लग गया ये कैच आउट हो गया थर्डमैन पे अब निकला है बल्लेबाजी से निकले फुरकान फुरकान और सलमान की जोड़ी यहाँ पे है और बब्बूपुर जो कि लाइव अपने लैपटॉप वाला इसको चलाए दोस्त देखने बड़ी आसानी होती है बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑफ दिस सीजन का सबसे अच्छा और सबसे कामयाब टूर्नामेंट मैं कहूंगा 24-25-26 तारीख को खरेना में फुल बाउंड्री ग्राम सभा 28-29 तारीख को मंजूपट्टी में रूल आउट 1 और 2 जून को हसनपुर में रूल आउट के टूर्नामेंट साबित किया तो हासिल किया पॉजिटिव बढ़ते हैं और ये पंजा आगे आप 5 रन पॉपुलर मार्क अरमान में रख रहा हूँ बेचैन है कुछ इनाम लगाने के लिए इनाम कब लगाएगा पॉपुलर मार्क अरमान ये तुरंत बताएगा लेकिन अच्छा खेल चला है आपके सामने स्कोर कितने स्कोर 6 रन आमना जोलर बहुत छुपा रास्ता निकली हुई छुपा रास्ता निकली और बहुत गेंद पहले आने और फिर गलती किया है फिर वाइट बॉल इसको साथ तो विकेट पे रुकना होगा पूरा 5 ओवर खेलना पड़ेगा सलमान मिर्जा को फुरकान को तब काम पड़ेगा फिलहाल स्पोर्ट प्लेयर को बहुत ही अच्छी टीमें आई हार तो जीत रही और वो फिर गलती गलती पे गलती हैट्रिक कर दिया यहाँ पे 3 लगातार वाइड देने के लिए स्कोर 8 रन तो अब ये रात खत्म हो रही है दिन हो रहा है और अभी ये अंदाजा नहीं कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी इसके बाद का मुकाबला किसका है बताओ ही है अभी बताएंगे काशी चौधरी मुकाबला इसके बाद किसका होगा शादी तो फुरकान हल के खिलाफ बुलटेटी के साथ भी बाउंड जा रही है फिर रात के लिए 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर पर पहुंचे अब यहाँ पे 9 रन 9 रन जिसमें 3 वाइड बहुत अच्छा वो खेल रहा सलमान अगर हैट्रिक पूरी करेंगे तो इससे कहीं चांस है फील किया तो दोस्त जो वो इनाम लगाए हैं उसमें रेहान संजरी 300 स्काई बलान 500 और हवेली रेस्टोरेंट 200 अर्बन पॉइंट 500 स्काई से दूसरे हल्के से खिला रन नहीं मिला है फिलहाल प्रधान 500 लाइव सूट स्टोर 100 और सही तरीके से मेरे ग्राउंड स्कोरिंग दिखाया जा रहा है और मन्नत प्रभार 500 विकेट पे 3 चौके पे 200 फाइन मार्क प्रेस दे रहा है 3 लगातार विकेट लेने पे तो बड़ा इनाम यहाँ पे है बहुत अफिक दो है तो कोई अब जो पास आ रहे हैं बाबू करने के लिए जो पास का नाम सोहराव सोहराव के बाबू करने के लिए आ रहे हैं मन्नत दरबार बड़े खिस्मत किया बहुत चाय पिलाया है और बहुत कुछ ख्याल किया है यहाँ पर ऑफिसरों का उनका शुक्रिया मन्नत दरबार का और ये ओपनिंग सोन है अभी तक इतना से चल गए हैं दोस्त खुलने के बाद क्या होगा पता जा रहा है मन्नत दरबार बहुत
अक्षय दास मित्र हाँ सुनील के साथ जुड़े हुए हैं इसको पर। इसमें से जो तीन जीते थे वो भी पहुंचा कि अंतिम तीन में अंतिम चार में है। फिर पर्ची और दोस्त और सलमान मिर्जा काफी पेचे रहे, बिल्कुल देर नहीं आ रहे। मुदस्सर के मुदस्सर भाई पत्रकार जमीन के तौर पर लगातार पूछ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। तो आमना ज्वेलर्स पहले अंतिम तीन में पहुंचने वाली टीम है। जब तीन टीमें हो जाएंगी अंतिम तीन में तो पर्ची रहेगी, एक टीम पहुंचाएगी फाइनल में, दो टीमें खेलेंगे सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी उसे 5,000 मिलेगा। तीन प्राइज है, फर्स्ट प्राइज 35, सेकंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 5, सीरीज 8,000। फाइनल मैच का जो मर्ग मैच होगा उन्हें एक्सक्लूसिव दिया जाएगा स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से, और रॉयल टेंपल क्लिनिक भी यहाँ पे नाम दे रहा है ऑफिसरों को। फाइन मार्क से दोनों पैसों का प्रयोग किया जा रहा है, तो पैसों को सब कुछ किया जा रहा है, 35,000 तराशी कूलर यानी जो चीजें का माला माल हो जाएगा, ये कोई तराशी आएगी, कूलर भी आएगा, दिल्ली जाइए आप लोग ठंडी हवा खाइए। तो यहाँ पे फाइन मार्क बिल्कुल लगा था रोहित शर्मा के साथ सहरा तैयार, और चंद्रकांत को पूछ करने में कामयाब रन नहीं बने। पांच ओवर में अगर आप 40 से कम है 35 से भी कम है तो आप खतरे में रहेंगे, अगर 35 से ज्यादा है तो शायद मैच में है, अगर 35 से कम बनाती है टीम कोई भी टीम तो वो खतरे में रहेगी। अरे फिर से खेला बड़े से के साथ आते यहाँ पे उतरना है, इस तरह से एक के साथ पहुंचा यहाँ पे बारह, तो क्या 70 दूर का मुकाबला भविष्य होगा काशी। और बहुत अच्छे से फूल के से पहला फिर मौजूद यहाँ पे फिर चलेंगे एक और रन, इस तरह से एक के साथ 13 13 रन सलमान को अच्छे से बताने के लिए, जो 2 ओवर हो चुका है मात्र 13 रन बना है, कुछ रन गति को तेज किया जाए तो बेहतर होगा। तो बेहतरीन ये मुकाबला कैसे चलता रहा आज की रात खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा, और अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि फिर विकास में आया, विकास का नाम मैं जानना चाहूंगा समर कमर कमर की बात करने के लिए जो दो टुकड़े किए चांद पे फरमाया नबी ने, अब अहले जहां को ये कमर अच्छा लगेगा, ये कमर क्या करेगा, किस तरह से खेल दिखाएगा कमर। और कप्तनपुर और बदल दो तीन कहते हैं आगे करने के बाद उसकी पूछे टास्क करवाए सलमान मिर्जा प्राइज फिर मौजूद रास्ता दिखते हैं सुरक्ष किया गया, और एक और इस तरह से एक के साथ चढ़ा है। तो आमना जेलर जब चाहिए वो जीतती गई तीन मुकाबले जीत बैठी है, बेहतरीन गायब किया गया, बड़ा अच्छा बचा, बहुत अच्छा बचा किया गया, एक रन किसी एक रन के साथ पहुंचा पहुंचे हैं 15 रन। तो ये शहजाद क्लब इस खूब ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी कामयाबी को देखकर काफी खुश है पूरी शहजाद 11 खड़े बदई और सतमपुर पास वाले, बदई और सतमपुर पास वाले दोस्त बहुत खूब ट्रेनिंग रहा, कहीं से कोई व्यवहार नहीं आया, टीमें अच्छी रही, खेल अच्छा खेला और जीत आज के प्यार का देर है। सलमान मिर्जा खूब तरफ खेला है, इतना तरह दो पॉइंट लेके रहा 4 स्कोर बनने, और दोस्त एक बड़ा गौर से सुनिए, अगले साल 14-15 मई को इसी ग्राउंड को यही कमेटी यानी शहजाद क्लब खरेमा एक रूल आउट ग्रहण कराएगा, जिले में से 2 टीम रहेंगे, हर जिले की 2 टीम यानी आजमगढ़ की 2 टीम, जौनपुर की 2 टीम, सुल्तानपुर की 2 टीम, मऊ की 2 टीम यानी 16 टीमें होंगी, और एक जिले में से 2 टीम होगी। फर्स्ट और सेकंड कैप्टन को मोटर भाई दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कैप्टन को मोटर भाई दिया जाएगा, जिले से सिर्फ 2 टीमें होंगी, 16 टीमें होंगी यानी 8 जिला खेलने के लिए आएगा, इलाहाबाद बनारस जौनपुर मऊ आजमगढ़ ऐसे जिले जो है 8 जिले खेलने के लिए आएंगे यहाँ पे। खूबसूरत पाए जबरदस्त साइड किया गया बाल्टी के बाहर, अब फुरकान और सलमान खेल रहे इसको 24 एक तो ये तो भी पूरे तरह ये तो नहीं ये तो शहजाद ट्राई कर रहे थे काशिफ कि क्या हमारा ट्रेनिंग अब करवा सकते हैं, और बहुत सबसे ट्रेनिंग कर रहा है अब इसको
फिर बाग के हर चौके पे काशिफ साहिब 200 के नाम दे रहे हैं, काशिफ खराना 200 के नाम दे रहे हैं, स्कोर 25-25 तीसरा मैच आई तीन ओवर की समाप्ति पर 125। अब 12 गेंद पे अगर 15 बन गया तो काम बिलाल के नजर पर सिकरार खत्म करता है अंतिम टीम में पहुंचने के लिए। फत्तरपुर और बदोही टीम कैप्टन पास रहे फत्तरपुर पास की बदोही टीम कैप्टन जल से चला जाए पास के लिए। बहुत प्यारा दोस्त, अगले साल 14-15 मई 2023 8 जिले की टीम इंशाल्लाह इस ग्राउंड पे खेलेगी। हर जिले से 2 टीम होगी, सिर्फ 16 टीमें होगी और दोनों कैप्टन को मोटर बाइक मोटी प्राइज दी जाएगी। प्लेयर प्राइज बहुत अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। इस बार आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है और बॉलर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसको 29 फिलहाल इस नाइट टूर्नामेंट में बहुत धमाकेदार एंट्री की है, आमना चेलर सर फिलहाल क्लब राजा पुरस्कार अच्छा विषय किया और इसे फिर मुल्के से खेला। एक ही जाएगा स्कोर 30-34 5+5 का ये मुकाबला है दोस्त, बहुत ही लादवा प्रमुख रहा, कहीं से कोई कमियां नहीं मिली और आज ये चौथी रात है दोस्त जो लगातार कमेंट्री है, 2 दिन मिर्जापुर में 2 दिन यहाँ और बेहतरीन। स्पीकरों को चाहिए कि वो ठंडी चीज या ठंडे पानी से बचे, लेकिन हम लोग लगातार ठंडा पानी पीते रहे जिससे कुछ गले में प्रॉब्लम है, फिर भी खेल बड़ा प्यारा चला है, बहुत प्यारा वो खेल चला है। सुजीत सांग तालिब सिद्दीकी अब सर इसको मैं लोगों का शुक्रिया और कस्बा माहौल फेसबुक पेज आसिफ आसिफ भाई और बद्रपुर के लाइव हसीन आप लोगों का भी शुक्रिया। अंपायर में राज भाई फरकान या जितने भी अंपायर है तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इस खेल में 4 चांद लगाया। टीम कैप्टन हदोई जल्द से जल्द कमेंट के वास्ते मुझे आकर पास रहा है स्कोर 35 और बहुत अच्छी गेंद अंतर की तरफ आई, इतनी रन बन चुके कि जिससे जंग की जा सकती है। आजमगढ़ जैसी मजबूत टीम 29 रन पर गई और 4 बड़ा मैच जीत लिया। आमना चेलर ने कहा कि दोस्त सच्चाई यह है, ये छुपा रास्ता निकला है इस टीम को, हर कोई भदोई टीम कब आ जाए और वो कम है इसका 36 भाई भदोई टीम कैसी कहीं सोच नहीं गई। बहते सलाम सरा अब राज में लग रहा है कि इस मुकाबले को रात से बैठे देख रहे हैं और घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिलहाल की टीम जब तक खेलेगी ये लोग जाने वाले नहीं है, फिलहाल की टीम जब जाएगी तब ये लोग जाने वाले हैं। और अदनान संजीव भी सोच रहे थे कि जब तक मिर्जा खेलेगा मैं घर नहीं जाऊंगा। सरफराज की टीम में लग रहा है अंतिम टीम में पहुंची है, शायद बस नवाज का है, दुआ करें कहीं पर्ची आ गई हाथ में तो ये दूसरे ट्रॉफी आपकी बन जाएगी, एक दूसरे ट्रॉफी हो जाएगी। स्कोर 36 और इस मतलब 37 शादी का आएगा बाबू के मंत्री आखिरी बार जारी है, अगर 40+ रन बनाई गई थी तो बेटा भी अच्छी है रजत शहर के पास उसके कागज को फंसा सकता है मार तो सकता है, लेकिन जीत के हौसले रखने का तब काम बनेगा। साबित तो फुरकान गलती पे गलती रफ्तार मीस नथी एट दिस टाइम, इस वक्त रफ्तार के माने कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ लेंथ का मतलब है, लाइन का मतलब है, कंजूसी भरी के पास का मतलब है। अगर आप रफ्तार निकाल रहे हैं राइड कर रहे हैं ये अपने पैर में बिहारी मार रहे हैं। स्कोर 35 रन अभी पूरी क्षेत्र की बची हुई सारितया और फिर गलते तीन लगातार राइड स्कोर 39-39 साथी की रफ्तार निकाल रहे हैं लेकिन कटर भी कर पा रहे हैं, वेट तो कर रहे हैं कि मुझे अंदर में लाऊं, लोग इस चीज अंदर लाऊं और हटा दिया गया नए विकास का नाम बता दें बड़े सिंह तारीख 49 4 ओवर में 49 6 गेंद पे अगर 7-8 मरा ले तो भी बेहतर होगा। आमना जेवस बड़ा अच्छा गेम शो किया प्राइमर हकीम सपूर के लिए और सालिम मैक्सवेल ने उसको देखा
और माज हाजी माज सेलानी भी मैच चुके हैं क्योंकि उनके कुछ साथी उस टीम में खेल रहे हैं आमना सेलर से। आमना सेलर जो बहुत ही खूबसूरत शोरूम बना है, अगर उस शोरूम में ट्रैफिक बहुत जाएगी तो सोने को सहदा हो जाएगा। और ये माफ कर रहे हैं आउट, जी हाँ हमेशा आउट नियम है क्रिकेट का, यह नियम है। ये रूल खत्म हो गया, ये रूल लागू हो रहा है, फिर से रूल लागू हो रहा है अभी एक महीने के बाद से। तो अगर कोई रन आउट होगा तो स्ट्राइक पे नया बल्लेबाज आएगा और इस तरह से अगर स्ट्राइक को छोड़ के आ रहे हैं तो वहां पर रन आउट हो जाएंगे सब चार बल्लेबाजी करने के लिए। अक्टूबर या नवंबर से यह नियम आ रहा है आईसीसी का कि कोई भी बल्लेबाज जो नया आएगा स्ट्राइक होगा, रन आउट या कैच हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरी स्ट्राइक कर चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ नियम बदले हैं आईसीसी के, स्कोर 45 तैयार तमसे किया और फिर काम को ठीक करने में कामयाब। टीम कैप्टन खतरे आप पास करवा लेंगे सप्तमपुर टीम बहुत अच्छी टीम सप्तमपुर है, बहुत अच्छा दिन से पूरा भदोई रफ्तार के सौदागर हैं। भदोई कालीन की नगरी कहा जाता है लेकिन ये बच्चे कालीन के सोए नहीं है, इस मिट्टी पे टपे हैं, इस मिट्टी के कुंदन बन के आए हैं इस टर्न में खेलने के लिए। और बहुत उनका स्ट्रोक का बहुत अच्छे से एक रन लेगा। शादी को कुछ कुछ नींद का तलबा है स्कोर 40, कुछ कुछ नींद आ रही है स्कोर 40। कस्बा माओ खूब ठंडे पीकर नींद को दूर करके मैच दिखा रहा है, आसान साबित रूप चंदा पिला गई और बहुत अच्छी व्यक्ति चलते से चला गया पॉइंट की जाने एक रन और स्कोर 51। एक खेल बचे रहे बहुत कमजोर से तरीके दावे किया है क्रिकेटर और इस पे चौका मांग रहे हुए फिलहाल 11 नंबर पर सुपर ओवर पर काम से तैयार है और फिर 40 चौक खेला उत्तर के खाता से एक में जाएगा स्कोर 42 स्कोर 42 रन सप्तम को 5 विकेट के फायदे करेगा। और जो खुशखबरी ये है कि अगले 14-15 मई 2023 में जिले से सिर्फ दो दुनिया होगी तो कितनी मजबूत दुनिया होगी, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से खेलते उसका नाम क्या वो खेला है इसी 4-44-45-46 का टारगेट जो आराम करें चाकू से टूर्नामेंट कर रहा है। राजधानी की अंपायरिंग आज लाजवाब रही है, बहुत अच्छी अंपायरिंग की राजधानी और सलमान मिर्जा तैयार बहुत अच्छी दो वहां पर सलमान सम्मान लिया लेकिन कितना जो सम्मान है वही बद्दीपुर क्रिकेट टाइम अपने इस लैपटॉप को दोस्त उसके स्कोर को गतिमान कर दें। ये शायद रुपये है सलमान मिर्जा है बॉलर और सलमान सलूर का दोस्त है जो जीता तो कुछ से मिलता था और एक बार फैक्शन लगाते हैं गौहर और नजर की जोड़ आई है। अब गौहर स्ट्राइक पे है और इसके बाद भदोई और सप्तमपुर पांच जीता है सप्तमपुर पहली गेंद क्या हुआ पहली गेंद अपने खेल को दिखाएगा बेहतर बनाया जाए जिस तरह से फिलहाल ने टीम को सेटअप दिया है मुझे कल्पन लग रहा था ये टीम कुछ करने वाले हैं उनके पास प्लेयर है जो किसी भी टीम से टोटो हाथ करने को तैयार है। सलमान मिर्जा तैयार होते हुए तमसरे की आप तक पहुंचे बहुत अच्छे गए फिर भी तो मैंने ताजा वाइड का इशारा यहाँ पे आया इस वाइड के साथ उस टोर का पहुंचा टोर तो अपने साथ आप मित्र हैं जो कंटेस्टिंग की दुनिया में अपने कदम को डाल चुके हैं बहुत ही नाम लगा रहे हैं भदोई के दीवाने हो गए हैं कालीन कुछ लग रहा है लाने वाले हैं भदोई से जिस तरह से बड़ा ही नाम उतार रहे हैं भदोई के ऊपर पहला निकलता हुआ तो यहाँ पे दो रन एक विकेट बेहतरीन गेंदबाजी दोष हो रही है बहुत ही लाजवाब। फाइन मार्क जो इलेक्ट्रिक आयरन दिया था दोस्तों इसमें से एक निकला है और बहुत सारे नाम उनके यहाँ पे हैं। फर्स्ट सेकंड कैप्टन को
फाइन लाइट एक कूलर दे रहा है और कूलर की बहुत जरूरत है, बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है, 40-42 डिग्री का टेम्परेचर रहता है अभी नहीं, तो जो इस कूलर को लेकर जाए उसके घर वाले इधर और तो आए देंगे। अगली बॉल वन में बैठे पैगन भाई मिर्जा ना टू 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 मिर्जा सलमान इजान हाकिम, मिर्जा सलमान इजान हाकिम देखना है क्या भाई, अंपायर की बड़ी पहली निगाह है अहमद की, अहमद बहुत तेज देखते हैं और यदि आप गेम शो करो आप ऐसे ऐसे ना करें, बहुत अच्छी अंपायरिंग हुई है। बल्लेबाज का नाम बल्लेबाज का नाम बता रहे शकील, शकील हैट्रिक जो है बड़ा इनाम है दोस्त हैट्रिक पे, क्या मिर्जा हैट्रिक पूरी करेगा, क्या मिर्जा हैट्रिक पूरी करेंगे देखा जाएगा। और शकील सामने है डिफेंस करने के लिए, रन बनाने के लिए तैयार, ड्राइव किया गया और ओवर किस बात पे एक ओवर दो रन दो विकेट, राशिद शर्मा ने अब तक हरा जाने का नाम नहीं ले रहे लेकिन कैप्टन को देर से मिला है, आमना चौहान से कैप्टन को देर से रुपये मिला है अपनी पूरी टीम को चौकान कराने के लिए, एक बार दो रन मुझे भी लग रहा है भाई, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, कंफ्यूजन बहुत इशारा बोल रहा है सीरीज लेके जाएगा, मैं तो चप्पल होना जीता है, बड़ी मेहनत कर रहा है वो बदो देर से, और आसिफ भाई कुर्सी को कुछ जहमत हो रहे हैं पूरे आराम से मुकाबले को दिखा रहे हैं, और आसिफ भाई बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आसिफ भाई का कि मैं मैच उनका उनके फेसबुक पेज पर देख रहा हूँ पूरी चीज देखती है, ये अंकुर के पास किस्मत अच्छी है दिन अच्छा है और यहाँ पे आओ भैया अंकुर के पास होता है भाई दोस्त, अंकुर तीन विकेटें जा चुकी हैं और ये विकेट तो टोटली मिली है किस्मत में, क्रिकेट भाई तो ये किस्मत के साथ विकेट मिले भदोई और सत्तर गोल के बीच मुकाबला खेला जाएगा, बेहतरीन मुकाबला होगा, इसके बाद भी हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है, बेहतरीन दिलकश अपने बल्लेबाज का नाम बता दें शागर जगान है, शागर जगान में दिखा जा रहा है अंकुर तैयार, बल्लेबाज का नाम बता दें सकिन जरूर चुना है, रन आउट माइका रन आउट के सही सफेद निशाना और ये लगातार विकेट रही है, चार विकेट हो चुके हैं, दो रन आउट दो मिर्जा सलमान की, चार विकेट हो चुके हैं, बल्लेबाजों का नाम बता दें टोटल कितने दो रन दो चार विकेट, दो रन दो चार विकेट 47 के जवाब में अंकुर तैयार है तुझे वैल्यू करने के लिए अंकुर, बॉलर से अंकुर और बैट्समैन का नाम बता दें शागज तैयार, अंकुर तरह से किया है फिर पहुंचे दो तरीके और फिर ड्राइव किया फिर तरीके फिर किया लेकिन उसको रुका हुआ दो रन के स्कोर पे, तो फिलहाल क्लब रजतपुर सिकोर जबरदस्त शुरुआत किया है, फिलहाल क्लब रजतपुर सिकोर पहले अच्छी बल्लेबाजी किया 47 का टारगेट दिया, दो रन पे अब तक चार विकेटें जा चुकी हैं शागज की तरफ और तीन बहुत अच्छी गेंद कुछ भी नहीं दिखाई दिया बल्लेबाज को, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी अंकुर कर रहा है नौजवान, आज इस विकेट पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, तेज रफ्तार बल्लेबाजी बहुत अच्छा कुछ दिखाया है और जिस तरीके से खेला एक रन से रन जाएगा स्कोर तीन रन चार विकेट का नुकसान, तीन रन बल्लेबाज का नाम बता दो दोस्त जो बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं शागर को बताना चाहे बता दो वरना एक्स वाई से लिखा जा सकता है आसानी से, और फिर यहाँ पे जितनी भी तारीफ की जाए मेरे दोस्त पांचवा आघात सोहरा भाई अंकुर अपनी रफ्तार से पछड़ा रहे हैं बिल्कुल तनाव में आ रहे हैं, तो ये दो रन तीन रन पांच विकेट
अब तीन ओवर में दोस्त 64 रन चाहिए, अभी भी 44 रन चाहिए तीन ओवर में जीतने के लिए। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सलमान मिर्जा आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ओवर में ये ईश्वर मात्र एक रन आया, ईश्वर मात्र एक रन आया मिर्जा सलमान तैयार। फिर तो पहुंचे शागज बल्ला चला रहा है लेकिन गेंद रुक हुए, गेंद रुक हुए। जिस तरह से बल्लेबाजी चाहते हो रही है बहुत प्यारी बल्लेबाजी हो रही है। यहाँ पे सोच सोच के अपने खेल को दिखाना होगा मिर्जा सलमान। और प्राइज किया एक और एक और छठा रहा तीन पीछे तीन रन पे छह विकेट गिरी है। बड़ी आसान से जीत हासिल किया था प्रेमा के खिलाफ चादज और रजत सौर के खिलाफ। मैं लिख रहा हूँ कि प्रभत काफी तबाह में देखा जा रहा है। मिर्जा सलमान तैयार होते हुए और लगातार बेहतरीन के दर्जे हो रही है, तबाह कुल के दर्जी नाक में दम कर देने वाले के दर्जे हो रही है। मानो एक जूसी विद्युत है तेज रफ्तार की उस पर विकास कर रहा है और बल्लेबाज अपने आप को बच रहा है। तैयार होते हुए और ड्राइवर खिलाओ फिर कान में उनका चलो इतना तबाह नहीं लगा, नहीं लगा। तुम पीछे तीन पीछे तीसरा बार जारी सलमान मिर्जा ट्राई करें या फिर अपने फिर चलेंगे। अभी दोस्तों रुका हुआ है कि बेहतरीन फिर तो खेल रहा है फिलहाल के जगह पर सिखाए मगर सिंह का अब तक पत्तनपुर दिखाई दे रहा है, अब अंधेरा नहीं है, उजाला हो चुका है, घर की तरफ जा रहे हैं। तैयार होते हैं सरोवर किया था और यहाँ पर रन मिला है तीन ओवर तीन रन छह विकेट। ये क्या बता रहा है कि सागर दबाव में है, राजा प्रसिद्ध राव अपर हैंड है। नजर आलम आ रहे हैं जो बैठे करने के लिए, नजर आलम आ रहे हैं जो बैठे करने के लिए। किस तरह से बैठे करेंगे नजर आलम मिडन वर्ग सलमान मिडन में रखा था नजर आलम और अलग अच्छे के जादू करते हैं तैयार होते हैं और फिर सफर के सिलसिला के कारण देखिए बाहर चार नजर आलम अच्छे से बदल रहे हैं, अच्छे के जादू किया करते हैं लेकिन एक बॉलिंग में अदनान छह लगातार छक्का लगा था नजर आलम की जगह पे ग्राउंड सभा टूर्नामेंट में तैयार होते हैं समस्त किया तब तक पहुंचे और प्रिय एक बहुत अच्छा क्रिकेटर एंड्रो साइमन ऑस्ट्रेलिया का जो सड़क दुर्घटना में इस दुनिया में पानी से पोस्ट कर गया दुखद खबर ये कल कुछ तैयार हो गई नजर आलम पांच रन किया तब तक पहुंचे देते हुए शागज के खिलाड़ी अब धीरे धीरे रन बना रहे। अकबर वहां तेज तय कर रहे थे जो सुल्तानपुर से ताल्लुक है और स्कोर अब यहाँ पे है आठ आठ नौ रन। एक और खुशखबरी 2023 में जो मुकाबला होगा जो टूर्नामेंट होगा दो मोटर बाइक वाला जिले से दो टीमें होंगी, आठ जिले की टीम आएंगी और उसमें एंट्री फीस फ्री रहेगी, बिल्कुल फ्री एंट्री फीस रहेगी। तो एक सशक्त अनाउंसमेंट काफी छोटे ने करवाया है यहाँ पे मोटर बाइक दो बाइक आएगी, दो बाइक इस ग्राउंड पर आएगी थ्री एंट्री और आठ जीरो होंगे। तो दोस्त कितनी महसूस बनेगी ये आप इतना अंदाजा लगाए कि यहाँ पे 24 टीमें हैं और ये सारी मजबूत थी तो एक या दो तीन चार जिले से थी। जब यहाँ पे आठ जिले के प्लेयर आएंगे तो और मजा आएगा। बहुत प्रोग्रामिंग का अनाउंसमेंट है बिगेस्ट क्रमिंग ऑफ आसनगढ़ शायद कहा जाएगा इसे और फिर रन आउट नहीं किया छोड़ दिया था कि आज आप खेले थे 10 रन पे 6 विकेट चौथा ओवर जारी 47 के जवाब में 5 प्लस 5 का मुकाबला 7 गेंद 36 नजर आलम और ये वाइड स्कोर चार अब 7 गेंद 36 रन। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ जब तुम आप बताएंगे ये खेल आपके सामने चल रहा है सोच सोच के अपने काम पर अंजाम देना चाह रहे हैं सोचते हुए अपने खेल को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ खुद तक पहुँचे और फिर कोई छिपे वही तो मेरे रह गई और ये अभी अंपायर ने कहा नजर आलम लास्ट इनिंग
नौजवान अजी लास्टिन मानी अहमद ने ऐसा रख दिया आखिरी के 25 ओवर की चौथे ओवर में और मात्र 11। तो ये एक तरफा रैक नजर आ रहे थे भगत ने स्कोर बना लिया। ट्राई जीरो किया और ये लड़ाई सातवां आघात लगा है दोस्त जहाँ पे शादस पर 7 विकेट जा चुके हैं और अब कौन सा बताया जाए कि बाजी करने के लिए सात तारा बन बाजी करने के लिए तीन मुकाबले तो कम से कम 2 घंटा मान के चलिए दोस्त। यहाँ पे जो सात चाहे सात का चल रहा है मैच खत्म होते वो और यहाँ पे एक और देखिए 8वां आघात लगा है तो क्या टीम आला है इसी के साथ अगर सत्तरपुर सुल्तान का तरतीब है सत्तरपुर सुल्तान का तरतीब है और तैयार रखे दूसरे मैच में एन बाय डिटेल थोड़ा डिटेल देना थोड़ा सा समझ में आएगा फिर। अरे इतने ज़्यादा बात न करो।